हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महामैराथन क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 50 नंबर को एक ही वीडियो में पक्का करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और अब आपके पास ये अंतिम मौका है। अगर आपने आज रात इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम की जो सबसे अच्छी तैयारी होती है वो एग्जाम के दो दिन पहले, एक दिन पहले ही होती है या एग्जाम के दिन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 50 नंबर एक ही वीडियो में पक्का करेंगे, यानी कि जो आपका खंड का होता है हिंदी का, उसको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है अब की बार 100 में 95 प्लस पार, ठीक है। तो आज रात इन प्रश्नों को पढ़ लो, कल आप बोर्ड एग्जाम जब देकर आओगे शाम को हंसते हुए आओगे, अरे सर जी ने बताया था, सभी वो पेपर में क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, देख लो वरना पछताओगे। 30 मिनट का ये वीडियो है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, अच्छे से देख लोगे 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम गारंटेड नहीं है, लेकिन आपका लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आपके जो खंड का होता है 50 नंबर का, उसमें जो 7 टॉपिक हैं कौन कौन से हैं, उनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, जो 10 नंबर का आता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो 10 नंबर का आता है, फिर इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर का आता है, इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय, 10 नंबर का आता है। फिर हम पढ़ेंगे 5 नंबर का ये आता है। फिर हम पढ़ेंगे कवि का जीवन परिचय, 5 नंबर का, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कहानी, 5 नंबर का आता है। फिर हम पढ़ेंगे खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का आता है। यानी कि टोटल अगर जोड़ लीजिए आप, देखिए 10 10 10, यानी कि 30 35 40 45 50, टोटल 50 नंबर का जो आपका पेपर है उसको एक ही वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो नहीं मिस कीजिएगा, ध्यान से देख लेंगे, ये इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, सभी की तैयारी अब की बार होगी, क्योंकि अब की बार आपको 100 में 95 प्लस लेकर आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर कौन सा क्वेश्चन पढ़े। फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके सभी टॉपिक को, अंतिम मौका है, टाइम मत वेस्ट कीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अब स्टूडेंट ये 10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर तो हम ऐसे मिस नहीं करेंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे बता चुका हूं, इस वीडियो में भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें हम पूरा खंड का पढ़ लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे। देखिए मेरा कोई इसमें बेनिफिट ज्यादा नहीं है, बेनिफिट आपका होगा, पढ़ लेंगे टॉपर आप बनकर आएंगे, ठीक है। देखिए कहा है कबीरदास से, सूकर, फर्स्ट के क्वेश्चन है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, सूकर खेत ये किससे संबंधित है, कहा है कबीरदास से, खा है नंददास से, गा है तुलसीदास से, और घा है सूर्यदास से। तो देखिए ये तुलसीदास जी से संबंधित है, सूकर खेत नामक स्थान जो है ये तुलसीदास जी से संबंधित है। दूसरा देखिए वीर रस की कृति है, यानी कि इसमें से कौन सी रचना है जो वीर रस जिसमें सबसे ज्यादा है, यानी कि वीर रस की वो रचना है, का है बिहारी सतसई, खा है सूर सागर, गा है शिवा बावनी, घा है प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शिवा बावनी। देखिए शिवा बावनी जो है ये वीर रस की कृति है, यानी कि इसमें वीर रस का यूज सबसे ज्यादा किया गया है। तीसरा देखिए भिखारी दास कवि है, भिखारी दास जी किस काल के कवि हैं, ठीक है, का है भक्ति काल के, खा है रीति काल के, गा है आदि काल के, खा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रीति काल के, ठीक है, भिखारी दास जी रीति काल के कवि हैं। देखिए मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, यही आएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन आपको 10 नंबर एकदम पक्का करना है तो और भी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चौथा देखिए मैथिली शरणगुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, यानी कि मैथिली शरणगुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, का है अनघ, खा है भारत भारती, गा है पंचवटी, खा है सिद्धराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारत भारती। देखिए मैथिली शरणगुप्त का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो भारत भारती है। फाइव नंबर देखिए किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, इसमें से कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया, का है राम कुमार वर्मा, खा है मैथिली शरणगुप्त, गा है महादेवी वर्मा, घा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैथिली शरणगुप्त जी को राष्ट्र कवि का पुरस्कार दिया गया है, तो 5 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय।
अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है, रीतकाल का दूसरा नाम है, रीतकाल का एक और नाम है, कौन सा नाम है? श्रृंगार काल। देखिए रीतकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेवन नंबर देखिए, कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है, इसमें से कौन सी रचना है जो भारतेंदु युग में लिखी गई है? का है प्रेम माधुरी, खा है कामायनी, गा है निरुपमा, घा है युगवाणी। तो प्रेम माधुरी जो है ये भारतेंदु युग में लिखी गई रचना है। एट नंबर देखिए, तार सप्तक से संबंधित है, इसमें से कौन से रचनाकार है जो तार सप्तक से संबंधित है? रामविलास शर्मा, खा है नरेंद्र शर्मा, गा है भवानी प्रसाद मिश्र, घा है धर्मवीर भारती। तो देखिए रामविलास शर्मा जी तार सप्तक से संबंधित है, ठीक है इसमें से। ये नाइन नंबर देखिए क्या है, साकेत की नायिका कौन है? का है यशोधरा, खा है उर्मिला, घा है राधा, गा है राधा, घा है द्रौपदी। तो उर्मिला जी साकेत की नायिका है, हीरोइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेन नंबर, नौका बिहार कविता अवतरित है, नौका बिहार किस किससे अवतरित है? सुमित्रानंदन पंत जी के गुंजन से, खा है बीड़ा से, गा है पल्लो से, घा है युगांत से। तो देखिए ये अवतरित है गुंजन से, नौका बिहार जो है ये गुंजन से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी के मैं बताता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, ठीक है, जो कि है क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए 10 नंबर का आता है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सिंपल सा है, देखिए गद्यांश में आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे हम ले रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का गद्यांश। देखिए ये राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ये दे दिया गया आपके फर्स्ट चैप्टर से, गद्यांश दे दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए कौन कौन सा है, पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पहचानना है, इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, देखिए ये जो 2-4 लाइनें हैं जिसके नीचे रेखाएं हैं इसकी व्याख्या आपको करनी है। तीसरा क्या है, देखिए राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। चौथा है कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, इसका भी आंसर गद्यांश में मिल जाएगा। पांचवा देखिए, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे इसके नीचे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप इस गद्यांश को पहचान गए कि ये किस पाठ से लिया गया है तो आप बहुत आसानी से 10 नंबर पा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा, अब ये जो गद्यांश है ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना हमें लिख देना है, तो हम लोग लिखेंगे खूब अच्छे से गद्यांश का संदर्भ पहले लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें लिखना है पाठ और लेखक का नाम, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो काम करते हैं वो आपको पता है राष्ट्र का लिखेंगे, फिर लास्ट में जो इसकी है संस्कृति है इसको लिख देंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके। देखिए हम लिखेंगे राष्ट्र का, ठीक है, फिर डॉट डॉट ऐसे करके लिखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है, संस्कृति है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप कौन सा कर रहे हैं एग्जामिनर को पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे लिख देंगे तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे संदर्भ, यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो संदर्भ के रूप में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये रेड पेन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ऐसे आपको लिखना होगा। तो लिखेंगे देखिए प्रस्तुत गद्यांश, देखिए संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखना चाहे जो चैप्टर हो, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब देखिए गद्य भाग हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए ये आपका हिंदी गद्य है, ठीक है, तो यहां पर गद्य भाग लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको ब्लैक से लिखिएगा, दैट्स अ बेटर, आपको अच्छा दिखेगा, अच्छा फील होगा, ठीक है। मैं संकलित एवं भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय
संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, देखिए भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, तो यहां पर लिखेंगे के अध्येता, ठीक है। अब लिखेंगे हम नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए थोड़ा राइटिंग से आपको लिखना है, मैं थोड़ी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, लगभग लगभग 30 से 40 मिनट का होगा, तो थोड़ा तेजी से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखना तो आपको ये बोर्ड एग्जाम है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, द्वारा लिखित, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो इसको हम ब्लेक से लिखेंगे। देखिए लेखक का नाम और पाठ का नाम ब्लेक से लिखेंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए मैंने ही लिखा, तेजी से भले ही लिखा है लेकिन दिख तो अच्छा ही रहा, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। देखा क्या है, देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस इसमें पाठ का नाम लेखक का नाम होगा, दो नंबर अगर आप ऐसे लिख कर आएंगे, ये वाला दो नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर दे देगा कॉपी चेक करके बिना देखे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, एक एक को हम लिखेंगे। दूसरा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका ये लाइन है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति की जन का मस्तिष्क है संस्कृति ही, ठीक है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, ठीक है। तो ये हमें लिखना है, इसका अपने शब्दों में अर्थ लिखना है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से थोड़ा चेंज करके लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे थोड़ा स्टाइल से वास्तव, पहले हेडिंग लाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क में से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बस इतना लिख देना है, थोड़ा चेंज करके लिख देना, याद नहीं करना, याद नहीं किया जाता इन सबको। देखिए इसको आपको सोचकर अच्छे से लिख देना है, याद वाद नहीं करते इसको, ठीक है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया, चार नंबर क्लियर। तीसरा देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में पृथ्वी भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो देखिए इसका आंसर लिखा है। देखिए क्या है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका आंसर आपको गद्यांश में मिल गया, तो कितना सिंपल है। देखिए यही वाला हम आंसर यहां लिख देंगे। देखिए यहां पर थोड़ा और उसमें था व्याख्या में, इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास उन्नति अंतर्निहित है। तीसरा देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान, दो नंबर क्लियर, ठीक है। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नहीं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखिए इसका आंसर भी हमें इसी में मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, बस यही लिख देंगे। इनका आंसर हमें इसी गद्यांश में मिल जाता है, तो देखिए वही वाला आंसर हम यहां पर लिख देंगे, ये सब हमें मिल जाता है। चौथा देखिए, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, बस हो गया। बस ये सब गद्यांश में ही आंसर दिए रहते हैं, फिर भी आप लोग घबराते हैं, ठीक है, मत डरिए नहीं, डटकर सामना कीजिए। चौथा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है, ठीक है, यानी कि संस्कृति के सौरभ। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी हमें इसी गद्यांश में मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है, तो देखिए यहां पर संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है, बस हो गया, इसका भी आंसर मिल गया। तो पांचवें का आंसर ये देखिए हमने लिख रखा है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर नहीं थे, दो नंबर यहां पर भी क्लियर। तो पांच क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन के लिए, दो नंबर, दस क्वेश्चन हमने, दस नंबर क्लियर कर लिया। हमें सिर्फ संदर्भ अगर पता है कि ये किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, तो हम उसका आंसर दे लेंगे बिल्कुल चुटकियों में, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे गद्यांश, अब चलिए सॉल्व करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश को। अब देखिए स्टूडेंट गद्यांश भी हमारा क्लियर हो गया, पद्यांश पर आते हैं। पद्यांश भी 10 नंबर का आता है, तो भैया इसको छोड़ तो सकते नहीं हम, तो एक पद्यांश हम लेंगे। पद्यांश देखिए ये आपका है,
कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। ठीक है, ये आपका है श्रद्धा मनु से, जयशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यानी कि मनु जी श्रद्धा जी से श्रद्धा से पूछती है, इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। ठीक है, देखिए बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी कि जिस प्रकार से पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार से घन तिमिर में चपला की रेख, यानी कि वो कहती हैं उसी प्रकार मेरे नीरस और समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन में जो है, वो कहती है कि हमारे यहां तुम आ चुकी हो, किस प्रकार से घन तिमिर में चपला की रेख, यानी कि जैसे तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो। ठीक है, और देखिए तपन में शीतल मंद बयार, और ऐसा लगता है कि इस गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह तुम सुखदायक हो, हे तुम कौन हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, यानी कि श्रद्धा को देख मनु के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि आखिर वो कौन है। मनु की आकांक्षा को शांत करते हुए श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है। क्या कहती है, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमित सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, यानी कि वो परिचय देती है। उस समय ऐसा लगता है कि अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों के ऋतुराज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। ठीक है, तो यानी कि इसको अपने चैप्टर को पढ़ा होगा शायद, तो इसका आंसर हम देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया। अगर पता है भैया तो सब काम तुम्हारा यहीं पर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके नीचे भी पांच क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो, यानी कि जो पद्यांश दिया गया उसके शीर्षक और कवि का नाम लिखो। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, जो ये दो लाइनें हैं इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। तीसरा है आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, मतलब आगंतुक व्यक्ति जो बताया गया है किसकी ओर संकेत किया गया है, तो मनु की ओर संकेत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पांचवा देखिए, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है, वो उनसे पूछ रहे, बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए एक एक को लिखते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले ऐसे लिखेंगे, कौन हो डॉट डॉट करके लिखेंगे मधुमय संदेश। तो चलिए लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा तभी अच्छा रहेगा। तो कौन हो, ठीक है, फिर ऐसे हम डॉट डॉट लिखेंगे, यहां पर डॉट डॉट कर देंगे और यहां पर लिख देंगे मधुमय संदेश। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके हम पहले लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को इसमें भी क्या होगा, दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, मतलब दो पद्यांश दिए जाएंगे, एक ही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो गद्यांश में था। ठीक है, इसमें भी हम हेडिंग डालेंगे, एक संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जैसे उसमें मैंने लिखा था। और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, कौन हो डॉट डॉट करके मधुमय संदेश, ये डालना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा है, वैसे ही हम लिखेंगे जैसे हमने उसमें लिखा था, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, अब हम लिखेंगे कवि का नाम क्या है। देखिए ये जो श्रद्धा मनु है इसको लिखा है श्री जयशंकर प्रसाद जी ने, तो यहां पर लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, के अब देखिए इनका जो श्रद्धा मनु चैप्टर है ये कामायनी से लिया गया, इनका जो महाकाव्य है कामायनी, तो यहां पर हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे ब्लैक पेन से कामायनी। ठीक है, कामायनी, अब ये एक महाकाव्य है तो महाकाव्य लिख देंगे महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के अब देखिए ये आपके पद्य भाग से लिया गया है, यानी कि पद्यांश है तो पद्य भाग से लिया जाएगा, तो पद्य भाग। ठीक है,
पद्य भाग में संकलित, में संकलित। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे चैप्टर का नाम, जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु। ठीक है, शीर्षक कविता से अवतरित है, ऐसे लिख देंगे शीर्षक, शीर्षक कविता से, कविता से अवतरित है। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायणी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है, यानी कि आपको चैप्टर का नाम और कवि का नाम इसमें लिखना होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आप लिख ही लेंगे, दूसरा देखिए क्या है, दो मार्क्स क्लियर हमारे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इतने का आपको व्याख्या करना है कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल वंद व्यास, यानी कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए क्या होता है कि मनु जी श्रद्धा जी से, श्रद्धा से पूछते हैं, देखिए क्या है, मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है, ऐसे पूछती हैं मनु जी श्रद्धा से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर कर दीजिएगा, किसकी ओर संकेत किया गया है, जो आगंतुक व्यक्ति है उसमें बताया गया था कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति का मतलब क्या है, ये किसकी ओर संकेत करता, तो देखिए इसका आंसर होगा आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर, मनु की ओर संकेत किया गया। ठीक है, यानी कि आगंतुक व्यक्ति जो है उसको मनु को आगंतुक व्यक्ति के नाम से कहा गया। ठीक है, उसकी तुलना की गई है। चौथा देखिए, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। बस ऐसे आंसर लिख दीजिए, अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत आसानी से लिख देंगे। पांचवा देखिए, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो दो पात्र हैं पद्यांश में, मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है, सिंपल सा, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फाइव क्वेश्चन इसके भी नीचे रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स अगर आपको अचीव करना है तो इसको आपको पढ़कर ही जाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। अब ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। ठीक है, जिन्होंने लिखा है भाषा और आधुनिकता। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका नहीं बताया आप, देखिए इनका मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, सर्च कीजिए आ जाएगा। आप लोग कहिए वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, देखिए बार बार एक ही चीज को बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें दूसरा ले रखा है। देखिए जब भी इनका, देखिए 12th में इनका साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियां आती हैं, रचनाएं, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय लिखने से पहले 2-4 लाइन जीवन परिचय लिखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया, लेकिन 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई वो 2005 में हुई। ठीक है, यानी कि 86 साल लगभग इनकी उम्र हो गई थी। ठीक है, ये हो गया। अब साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालना, चाहे आप साहित्यिक सेवाएं डालिए, लेकिन यहां पर साहित्यिक परिचय लिखना, सेवाएं मत लिखिएगा। ठीक है, इसको कट करके परिचय कर दीजिएगा। देखिए श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पश्चपाशी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यधिक प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं, आंध्र प्रदेश आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध, यानी कि ये इनकी जो हिंदी में जो इनका परिचय है, जो साहित्य में इनका परिचय है वो इसमें आपको लिखना होता है। देखिए प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोधकार किए हैं। हिंदी भाषा प्रदेश, ठीक है, हिंदी भाषा प्रदेश की निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक हो गया ये भी। अब आते हैं इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, देखिए लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अब तक 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं इनके। इनकी जिन रचनाओं में साहित्य संसार परिचित है उनके नाम इस प्रकार, देखिए कुछ रचनाएं इनके, देखिए साहित्य और समाज, मेरे विचार,
हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु, तेलुगु यहां पर ते कर दीजिएगा, ठीक है, तेलुगु वारुल तेलुगु, ठीक है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ, यानी कि इन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया भी इन्होंने संपादित किया था, जो कि एक इंग्लिश का ग्रंथ है, ठीक है, कि हमारे भारत में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे भारत में मराठी, बंगाली, गुजराती, सब प्रकार के हिंदी, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अमेरिका, अमेरिका में देख लीजिए ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि वहां पर बोलने चालने में प्रॉब्लम्स नहीं होती। अभी मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, हम चले जाएं गुजराती मराठी में, तो वहां से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी समझने में उसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कवि का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी का मैं बताऊंगा, शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो और जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी का भी मैंने बताया, महादेवी वर्मा जी का भी बता दिया, अब यही बचे थे तो इनको भी बता दूं, क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए जीवन परिचय पहले लिखिए, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गमन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। यानी कि आपको इनका जन्म, इनके पिता, माता और इनकी मृत्यु इसमें लिखना होता है, बस मेन तो आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने राष्ट्रप्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता तथा शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की और एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं की ओजस्वी और प्रखर शब्दों को का ताना बाना दिया, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि इनको इनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो साहित्यिक परिचय ऐसे लिखना है। अब कृतियों पर आते हैं, इनकी रचनाएं देखिए, दिनकर जी ने पद्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का सृजन किया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में जैसे रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और संख, हारे को हरिनाम आदि शामिल हैं। संस्कृति के 4 अध्याय आलोचनात्मक गद्य रचना, इनकी एक आलोचनात्मक गद्य रचना भी है जो है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इनकी रचना है, ठीक है। काव्य रचनाएं इन्होंने बहुत ज्यादा लिखी हैं, जो आपको सामने दिख रहा है, रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, ठीक है, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कहानी, ठीक है, हमारा लेखक का और कवि दोनों का जीवन परिचय हो गया, अब हम पढ़ेंगे कहानी जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कहानी में 2 कहानियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पंचलाइट, एक बहादुर, तो इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे 5 नंबर का। देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और उसका सारांश मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सर्च करोगे आ जाएगा, बहादुर कहानी का सारांश भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य, क्योंकि कहानी में पंचलाइट और बहादुर कहानी के सारांश और उद्देश्य आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मतलब इसका उद्देश्य क्या है बहादुर कहानी का सारांश, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर बहादुर कहानी का सारांश, मतलब सारांश और उद्देश्य में क्या अंतर है। देखिए सारांश में कहानी बताई जाती है संक्षेप में, और उद्देश्य का मतलब होता है कि इस कहानी को बनाने का उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है, यानी कि इसको अमरकांत जी ने लिखा है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है, यानी कि जो श्रमिक लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, ठीक है, परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका शोषण सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते, कुछ मध्यम वर्ग के लोग भी करते हैं, ठीक है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष की मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में परी दरार
को ये भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह ठीक है और संवेदनाओं एवं संवेदनाओं का भूखा है। बहादुर लड़का है 12 से 13 साल का नेपाल का, वो भी अपने घर मतलब जब घर पर रहता तो उसकी माता जी उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, वो घर छोड़कर चला आता है। अब आया बाहर तो निर्मला के यहाँ नौकरी कर रहा था, तो कुछ दिन तो उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, बाद में उन्होंने भी उसके पास साफ मारपीट की, गाली गलौज की और उसके बाद में क्या हुआ उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया जिससे बहादुर घर छोड़कर चला गया। ठीक है तो संवेदनाओं का भूखा है, मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है, वो स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। यानी कि जब बहादुर को मारा जाता है पीटा जाता है उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है तो बहादुर घर छोड़कर चला जाता है ठीक है जहां नौकरी करता था। तो क्या होता है बाद में लोग उसे ढूंढते हैं कि कहां चला गया, क्योंकि वो देखिए काम नहीं करना चाहते, वो आराम के आदि हो चुके थे क्योंकि उनका सभी काम पूरा काम बहादुर ही कर देता था। ठीक है आगे देखिए, धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के प्रति हृदय का परिवर्तन है, यानी कि जो लेखक का मुख्य उद्देश्य है वो दोनों के प्रति हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। ठीक है तो ये था हमारा बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है हो गया, ये भी हो गया, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अब एक लास्ट में हमारा आता है खंड काव्य। ठीक है खंड काव्य भी हमारा 5 नंबर का आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर खंड काव्य भी बताइए। देखिए खंड काव्य 5 नंबर का आता है, देखिए ये बहुत ही इजी है, आपके जिले में जो खंड काव्य है उसको आप पढ़कर जाइएगा। देखिए इसमें जिला वाइज होता है, कुछ जिलों को एक में रख दिया गया, कुछ को एक में रख दिया गया, तो आपके वहां कौन सा खंड काव्य है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए मैं अभी त्यागपथी बना दूं, जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है, त्यागपथी बना दूंगा तो जो और सारे स्टूडेंट है यूपी के वो क्या करेंगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका त्यागपथी है नहीं। तो आप लोग खुद खंड काव्य पढ़िए, स्वापतित खंड काव्य। ठीक है तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 हिंदी के 50 मार्क्स को एक ही वीडियो में क्लियर करा है, 30 मिनट का लगभग ये वीडियो है, इसको जिसने भी ध्यान से देख लिया होगा उसका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो 7 टॉपिक हमने पढ़ा, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य। ठीक है 50 मार्क्स का ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।